हम एक बात बताइए, आपके इस थाने के SHO का नाम क्या है? हसीना मलिक। और बहुत हुआ तुम लोगों का सवाल जवाब, अब हम पूछेंगे और तुम बताओगे। कौन हो तुम लोग और नाम क्या तुम्हारा? संतोष जी। संतोष जी मेरा नाम हेमा है। और हमारा नाम सुषमा। और ये जो है इनका नाम है जया। हेमा, सुषमा और जया। जाने दीजिए ना, छोटी बहन समझकर छोड़ दीजिए। नहीं, हम हसीना मैडम से मिलने के बाद जाएंगे। काहे? हमारी कंप्लेन करनी है? ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा बाहर गिरोगी। और हाँ, हमारे थाने में ना ऊंची आवाज में बात की ना तो जबान छींच के ना हाथ में दे देंगे। क्या कर रही हैं आप? सीना मैडम ने अपनी पहचान छुपा कर रखने के लिए कहा है। अगर इन्हें पता चला हम पुलिस हैं, तो नकली हसीना हमारे हाथ से निकल जाएगी। वापस शुरू हो गए तुम लोग? नहीं नहीं, वो तो हम इन्हें समझा रहे थे कि शांत रहे। पुष्पा जी पे चिल्लाई थी ना आप? चलिए माफी मांगिए इनसे। इन्होंने कभी असली पुष्पा से माफी नहीं मांगी, नकली से क्या? चलिए माफी मांगिए। नहीं, हमें किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी। जाने दीजिए, छोड़ दीजिए सब, हमें जाने दीजिए। हाँ चलिए 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 ना। नानी दीदी चलो, नानी चलो। आ रहे। कमाल है, मतलब मलिहाबाद में पूरा थाना ही सेटअप कर दिया। हम सबके नाम के लोग थे वहाँ। वहाँ पर नकली चीता नहीं था ना? तू कहाँ से असली चीता है बे? जोक मार रहे हो? अरे नहीं, हकीकत है। मगर क्या सही प्लान बनाया उस नकली हसीना ने। चोरी भी खुद करो और शिकायत भी खुद लिखो। वैसे हमें एक बात बहुत अच्छी लगी। क्या? वो जो नकली करिश्मा है ना, वो पुष्पा जी की बहुत इज्जत करती है। देखा नहीं कैसे उसने हमें सॉरी बोलने के लिए कह दिया? हाँ तो अच्छा है ना। आप एक काम कीजिए ना, आप उनके गैंग में शामिल हो जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? हमें उसकी जरूरत नहीं। आप लोग फिर से शुरू हो गए। इस तरह से लड़ते रहेंगे तो फिर हम केस कब सॉल्व करेंगे? अगर फेक हसीना मलिक वहां होती ना मैडम सर, तो हमारे कब्जे में होती। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ कि हमें वहां का लोकेशन पता चल गया। अब वहां आएगी ना तो पकड़ लेंगे उसको। नहीं, हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी। वो जरूर अभी तो अंडरग्राउंड होगी। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, ये छोटी छोटी चोरियां करने के लिए पूरा थाना खोलने की क्या जरूरत थी? कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आज की कमाई पूरे 20,000। वैसे रानी तुम यहाँ छुपके क्यों बैठी हो? अरे थाने पे बैठो, वो तुम्हारी जज्बातों वाली बातों से ना और भी अच्छी कमाई होगी। अभी कुछ दिन यही रहना पड़ेगा माही, पिछली बार बाल बाल बची हूँ। पर तू कमाई की बिल्कुल चिंता मत कर, इस बार मैं जितना बड़ा हाथ मारने वाली हूँ ना, उसके बाद हमें ये छोटी छोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे थाने का असली काम कैसा चल रहा है? काम तो होने वाला है खत्म, बस कल तक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, तो बस कल हम अपना मिशन पूरा करके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वहां क्या कर रहे हैं। इस थाने में क्या चल रहा है ये हमें पता लगाना होगा। मैडम से मैं बताऊं, वहां ना सब नकली महिला पुलिस थाना चला रहे हैं। ये मासूमियत बहुत सही बोली है संतु जी आप। वो नकली थाना चला रहे हैं हमें पता है, लेकिन उस नकली थाने के पीछे असली खेल क्या है ये जानना होगा। लेकिन उसके लिए मैडम सर हमें करना क्या होगा? चूहे का राज जानने के लिए चूहे के बिल में घुसना पड़ता है, ठीक उसी तरह इस नकली थाने का राज जानने के लिए हमें इस थाने में घुसना होगा। तो मैडम सर हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो हमको पहचानते हैं। हम वहाँ जाएंगे तो उनको शक हो जाए। वहाँ वो लोग जाएंगे जो पहले नहीं जा सके। चीता और बिल्लू है? आप दोनों जाएंगे और वहाँ के लॉकअप में रहकर हमें वहाँ की खबर देंगे। इसके साथ मैडम सर? वाह 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 वाह, खाना बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, ऊपर वाला बहुत अच्छा है।
उसके घर देर है पर अंधेर नहीं है। मेरा बिल्लू निवास नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो निवास है। वाह, मैं चैन की नींद ले सकता हूँ। लेकिन मैडम सर, वो नकली हसीना ने मुझे पहचान लिया तो? उसका भी उपाय है हमारे पास। फिर तो नॉट वरी, बिल द स्पाई इज हियर। अरे बहुत देखे थारे जैसे, अरे गरे भाई बहुत देखे। क्या है? क्या तू जानता नहीं हमारा बाप कौन है? हेलो, तुम्हारे बाप को मुझे नहीं जानना है। बेटा थारा ना जलूस निकाल दूंगा मैं, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हेलो, मैं तुम्हारी बैटरी निकाल दूंगा। मैं थारे पे 307 लगवाऊंगा, 307। हेलो, 420 आदमी, तू मुझ पे क्या 307 लगवाओगे, मैं तुम पे 302 लगवाऊंगा। मैडम जी आप देख रही है ना? मैडम जी देख ही तो रही हो, कातिल तो है आप। नहीं नहीं, गलत है, बहुत गलत है, गलत है ये। हाँ बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है, ये गलत है। पर मैडम इस रूट की लाइनें आप व्यस्त मत रखो, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन इसको लॉकअप में हमेशा के लिए ब्लॉक करके जाऊंगा। पर ऐसे कैसे लॉक करवा देगा, मैं तुम्हारे को तो देख लूं। अबे काहे शोर मचा रहे हो? मैडम जी मारे ने का छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबरे की रिपोर्ट लिख लो मैडम जी, इसने मारे को थप्पड़ मारा मैडम जी। हेलो मैडम, मेरी FIR फीड करो, इसने मुझे ताना मारा है, ताना, और वो भी मुझे बहुत जोर से लगा है, और ऊपर से मेरे को टकला बोला। हाँ तो टकले को टकला नहीं बोलू तो क्या बोलू भाई, शाहरुख खान बोल दूं मैं। ओ टोपा लोग चुप हो जाओ, तुम दोनों की FIR लिखी जाएगी। चलो तुम दोनों 2000 रुपए निकालो और ये फॉर्म भरो। पहले की 2000, अभी की 2000, टोटल 4000। तो दे रहा हूँ मैं पैसे, दे रहा हूँ मैडम जी। लो मैं भी दे रहा हूँ, बहुत पैसे है हमारे पास। ये क्या कम है क्या? बेटा तू तो गया जेल में, तू तो गया, तू गया ब्लॉक हो जाएगा तू हमेशा के लिए। कौन ब्लॉक होगा, उसी तो खेलेंगे ना। तू अंदर जा, तू मैडम का है दिमाग खराब कर रहे हो। हमारे थाने में ना किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती है, तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे, समझे? ये इतनी देर हो गई बिल्लू और चीता को गए हुए, अभी तक कोई खबर ही नहीं आई। अरे का पुष्पा जी, कहाँ कर रही हैं आप? दुकान खोलने का इरादा है का? हैं? सामान लेने गई थी और पूरा बाजार उठा लाई। आपको मालूम है ना कि कल हम थाना खाली करके जाने ही वाले हैं, उतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? अरे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते, पता तो है आपको। अच्छा चलिए, अब ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। संतोष चल, हाथ बटा मेरा। मुझे नहीं आना। चल यार। बिल्ले यार, यार एक असली संतू जी है जो हमारी तरफ देखती भी नहीं है, पर एक ही है जो हमारे अलावा कुछ नहीं देखती है। इते जो मिल रहा है लपेट ले। अरे वो बात छोड़, तुमने देखा ना नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा किसी वो यार असली पुष्पा जी और करिश्मा तो छोड़ो, मतलब नकली पुष्पा जी और नकली करिश्मा के बीच में भी 36 का आंकड़ा है। ये चीते, लेकिन तुमने सुना ना, ये थाना कल बंद करवा रहे हैं। इस दरवाजे से आवाज आ रही है जैसे कोई काम कर रहा है। ये थाना बंद करवाने जा रहे हैं तो तोड़ के क्यों बंद करवाना इनको? अरे यार तोड़ के बंद करवाएं कि जुड़वा के बंद करवाएं, हमको का? ये बिल्ले, हाँ हम लोगों कोई देखे इससे पहले ना, तुम हसीना मैडम को वीडियो वाला मैसेज भेज दो। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। टावर नहीं है का? इधर पता नहीं, देखो जरा, देखते हैं। आप यहाँ कब इंसल्ट हुए? पहले ये बताओ कि आप यहाँ कब आए, क्योंकि हम तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं।
यहाँ के परमानेंट, और इसीलिए ये कहलाता है बिल्लू निवास। ये क्या है? हेलो, इसको मोबाइल कहते हैं। हाँ, लेकिन ये इधर अलाउड नहीं है। लाओ। क्यों? लाओ इधर। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मोबाइल है। हेलो प्लीज। अरे पुष्पा मैडम, पुष्पा जी इधर आइए, ये देखिए। क्या रहे यहाँ? आप ठीक तो है ना संतोष? अरे मैडम, इनके पास मोबाइल है। बिल्लू। हाँ हाँ इनसे मोबाइल छीन के दो। क्यों? मोबाइल तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तोड़ गया। टूट गया मैडम, मोबाइल टूट गया। आज नो टेंशन, जाइए जाइए, काम कीजिए। शर्मा जी आप भी जाइए, सारे लोग चले गए। आप कहते हैं तो इसकी बैटरी खत्म ही नहीं होती। इतनी देर हो गई, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, पता नहीं क्या हुआ है वहां। लग रहा है ये स्विच ऑफ क्यों है बिल्लू का फोन। बस बस, वैसे वीडियो सेंड किए हो कि नहीं हसीना मैडम को? सेंड तो किया है। हाँ, लेकिन उनको मिला है कि पता नहीं। नेटवर्क के हाथ में, अपने हाथ में थोड़ी है। बिल्लू वीडियो मैसेज है। देख ही तो रही हूँ, कातिल तो है आप। हमारे थाने में ना किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होती है। तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेन है, इसलिए तुम दोनों अंदर जाओगे। पुष्पा जी कहाँ है ये? आपको मालूम है ना कि कल थाना खाली करने वाले हैं, उतना सामान लाने का क्या जरूरत था? अच्छा चलिए, ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। एक सेकेंड, वीडियो दोबारा चलाइए ना। अच्छा चलिए, ये सब समेटिए, हम जाकर काम दिखाते हैं। मैडम सर, ये तो कोई नक्शा लगता है। यार मिले यार, यार हमारा कलेजा ना हमारे मुंह में आ रहा है यार। हाँ यार, यार हमको डर लग रहा है भाई कि अगर वाला वीडियो हसीना मैडम को नहीं मिला होगा तो क्या होगा भाई। यार बिल्ले, यार कुछ भी करके ना हम लोगों ने यहाँ से बाहर निकलना है और हसीना मैडम को जाकर बताना है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है भाई। ये लोग है ना, ये लोग कल तक ही आएंगे यहाँ पर, बहुत जरूरी है यार। चीचे, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया है? तुम पुलिस वाले हो? पुलिस वाले हो? चुप, मुझे ये बात रानी को बतानी होगी। पुष्पा जी, संतोष, तुम लोग इनका ध्यान रखो, हम आते हैं। मैडम जी। हाँ हाँ। और थाने के नक्शे का जरूर कोई मतलब है। रानी। हाँ क्या हुआ? ये देखो, ये जो नया कैदी है ना, उसके पर्स से निकला है। ये तो महिला पुलिस थाने का पुलिस वाला है,
इसका मतलब हसीना मलिक ने इसे भेजा है। अब हम इसे छोड़ नहीं सकते, इसे बांध कर रखो। ठीक है। इसका मतलब हसीना मलिक यही है। इन लोगों ने थाना यहाँ पर इसलिए खोला है ताकि बैंक लूट सके, और ये काम ये लोग कल ही करने वाले हैं। उस फेक हसीना को ना हम रंगे हाथ पकड़ के लाएंगे। हसीना मलिक, तुम मुझे पकड़ने आई हो, पर तुम्हें क्या पता कि तुम अपने ही जाल में खुद फंसने वाली हो। संतू, ओके गाइस, वो रहा बैंक, ठीक है? बी अलर्ट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यस मैडम सर। आ बेटा। पापा, आप सारे पैसे बैंक में रख देते हो, कुछ अपने लिए भी खरीद लिया करो ना। बेटा, माँ बाप अपनी मेहनत का पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमा करते हैं। अभी तो बड़ी हो रही है, कॉलेज जाएगी तो वहाँ पैसे खर्च होंगे, उसके बाद तुझे स्कूटी भी लेनी है, और सबसे बड़ी बात बेटा, तेरे शादी के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं। पापा, मैं शादी वादी नहीं करूंगी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। अच्छा। मैडम सर, कुछ भी करके ये बैंक को लूटने से हमें बचाना ही पड़ेगा। पुष्पा जी, ये बैंक नहीं है, लोगों के सपने, जिसे हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। सॉरी हसीना जी, बहुत बुरा लग रहा है ये करते हुए, पर क्या करें। हेलो। हेलो सर। सर, मैं एचडीएफसी बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, हमने हसीना मलिक को उसकी टीम के साथ हमारे बैंक के आसपास देखा है। अब क्या है ना सर, आपके डिपार्टमेंट को लूटने के लिए तो वो बदनाम है ही, कहीं हमारे बैंक को भी तो नहीं लूटने वाली। क्या है ना सर, ऐसा हुआ तो गरीबों को बहुत ही तकलीफ होगी सर, और आपके डिपार्टमेंट का भी तो नाम खराब होगा। इसलिए हमने सोचा कि आपको इत्तला कर दें। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा? चल कर रहा भाई, ठीक से ना भाई। मुझे भाई, हेलो हेलो। रानी कभी भी आती होगी, तुम लोग लूटने के लिए तैयार हो ना? हम तो 6 महीने से तैयार है, वक्त आ जाया है, और क्या। गुड, मैं बिल्लू को निकालती हूँ। ओ बिल्लू, चला जा, 6 महीने की मेहनत का फल खाने का टाइम आ गया। अरे अबे बहुत बड़े टोपा हो तुम तो रे, हाँ? चल बेटा, तुम्हारी खातिरदारी ना खुले में करते हैं, चलो। हेलो, खुले में? नहीं नहीं नहीं, खुले में क्यों? मैडम सर, आज सैटरडे और 2 बज गए हैं, तो बैंक तो बंद हो गया और कोई लूटने ही नहीं आया। कहीं उन लोगों ने बैंक लूटने का प्लान रद्द तो नहीं किया, या कहीं उन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ पर हैं? हो सकता है डर के चूहे बिल में छुप गए हो। चूहे? कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ। अगर ये लोग चूहे की तरह है तो चूहा कभी भी सामने से नहीं आता, हमेशा छुप छुप कर आता है। हो सकता है कि इन लोगों का प्लान कभी भी सामने से बैंक को लूटने का था ही नहीं। मैडम सर, अगर सामने से नहीं लूटेंगे तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करके लूटेंगे ही? नहीं नहीं संतोष, अगर ऑनलाइन ही लूटना होता तो फिर ये इतना बड़ा थाना नहीं खोलते। बेटा, आखिरी बार समझा रहे हैं, अब हिलने की कोशिश की ना तो ऐसा घुसन मारेंगे ना कि सीधा टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे? हाँ रानी। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा, क्यों दिया हमें धोखा? करिश्मा सिंह,
आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये लोग चूहे ही हैं, और इन चूहों ने इस बैंक तक एक बिल बनाया है। मैडम सर आप क्या कह रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बिल बनाया मतलब? हाँ। नकली हसीना मलिक और उसकी गैंग इस थाने से लेकर उस बैंक तक एक सुरंग बना रहे हैं और उस सुरंग के जरिए इस बैंक को लूटेंगे। मतलब डाका डालने के लिए वो बैंक बंद होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब डाका डालना भी शुरू किया होगा। गाइस वो लोग निकल जाएं उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। लेट्स गो। यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। सर ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज हमें जाने दीजिए वरना वो नकली हसीना हाथ से निकल जाएगी। नकली हसीना नहीं उनका पूरा गैंग है सर, वो सब हाथ से निकल जाएंगे। एग्जैक्टली, प्लीज जाने दीजिए। हम सब जानते हैं तुम सब मिलकर यहाँ पर बैंक लूटना चाहते हो। अरे सर ये क्या कह रहे हैं आप? हम? सर हम नहीं, नकली हसीना और उसका गैंग बैंक लूटने आए, और जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक उसने लूटना शुरू भी कर दिया होगा। हसीना मलिक तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां बहुत सुन ली, अब मैं जो कहूंगा वो सुनना पड़ेगा, मैं सब जानता हूँ। चलो करिश्मा चलो। क्या कर रही हो करिश्मा सिंह, अपने सीनियर में गोली चलाओगी? नहीं सर, मगर आप हमारी ड्यूटी के बीच में आएंगे तो चला देंगे।